दशहरा दीपावली सहित अन्य त्योहारों के मद्देनजर एसपी सिटी सोनम कुमार व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली और राजघाट पुलिस ने क्षेत्र में पैदल गश्त किया और लोगों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास दिलाया। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए कोतवाली और राजघाट थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया है तथा लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान नागरिकों से वार्ता कर उनके समस्याओं की जानकारी हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि त्योहारों को संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी तरह की समस्या होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें, आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, जलकर नगर निगम व विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, राजगढ़ और कोतवाली थाना क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। देखिए, आगामी जो त्यौहार है उनके परिप्रेक्ष्य में यह किया गया है। इसमें एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कोतवाली साथ में थे और अन्य विभाग के भी लोग थे, जैसे बिजली विभाग के लोग थे और नगर निगम के लोग थे, जलकल के लोग थे। जो भी जुलूस का मार्ग रहेगा जहाँ से प्रतिमाएं निकलेंगी उसका निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभागों को बताया गया है कि वहाँ क्या क्या कार्य करना है। इस संदर्भ में जो त्यौहार जो अभी आगे आ रहे हैं उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी कोई समस्या ना हो। सर, कुछ लोग बात की नागरिकों से? नागरिकों से बात की गई, उनकी समस्याएँ समझी गई हैं और जो भी उनकी समस्याएँ थी वो संबंधित विभागों को बताया गया। सर, त्योहारों को लेकर क्या दिखाएंगे? सर, त्योहारों को लेकर के पूरी मुस्तैदी से हम लोगों ड्यूटियाँ लगाएंगे और जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर जनता को कहीं कोई विवाद या ऐसी कोई भी समस्या किसी दिखती है तो तत्काल हमें सूचित करें, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।